अगर ममता बनर्जी और वहां की सरकार ने अगर एनएसए नहीं लगाया उन गुंडों पे, इस प्रकार का अगर एग्जाम्पल नहीं सेट किया कि अगली बार से बिहारी के ऊपर गलत तरीके से निगाह उठा के देखने वाले लोग जो है डर जाए, खौफ में हो जाए, तो हम लोग जो है बिहार बंद करेंगे। और बिहार के जितने भी मजदूर हैं वो देश के किसी भी कोने में हो, हम उन लोगों से कहेंगे कि एक दिन के लिए आप लोग जो है फैक्ट्री बंद कर दीजिए। अभी तक तेजस्वी यादव जी ममता बनर्जी से ट्वीट करके पूछे तक नहीं। अगर यही कांड जो है भाजपा शासित प्रदेश में हुआ रहता तो तेजस्वी यादव जी संविधान जो आज तक पढ़े नहीं है वो संविधान का दुहाई देने लगते। और एक बात मैं कह दूंगा कि बिहारी के ऊपर जो आंख उठाएगा गलत तरीके से, उसका आंख फोड़ देंगे तो मेरे ऊपर एनएसए लगा देगा लोग। बिहारी के ऊपर जो हाथ उठाएगा उसका हाथ काट लेंगे तो मेरे ऊपर एनएसए लगा देगा लोग। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के दो छात्रों के साथ बदतमीजी होती है और उसके पीछे की कहानी यह है कि दोनों बच्चे पेपर देने गए होते हैं और अचानक से पता चलता है कि जब वो गहरी नींद में सोए होते हैं उस समय बंगाली आते हैं, बंगाल के रहने वाले दो लोग आते हैं और वो लोग उन्हें जगाते हैं और पूछते हैं तुम बिहार से हो? और जैसे ही वो कहते हैं कि हाँ हम बिहार से हैं, बंगाली बोलने को कहते हैं और जब उन्हें बंगाली नहीं बोलने आती तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है, बदतमीजी की जाती है और वो वीडियो सोशल मीडिया पे उन्हीं के द्वारा पोस्ट भी कर दी जाती है। वो वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पे वायरल होती है वैसे ही बिहार के राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ जाता है। मतलब सभी लोग एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करना शुरू करते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि ये वो वीडियो है जो सामने आ गई, इसके पीछे बहुत सारे ऐसे कांड और ऐसे वीडियो होंगे जो कभी सामने आए ही नहीं। और इसका मतलब ये कि बिहारियों के साथ हर जगह बदतमीजी और बदसलूकी होती ही होगी। सोचने वाली बात यह भी है कि ये दोनों बच्चे दानापुर गए, दोनों बच्चे यादव हैं। अभी तक से लगभग तमाम नेताओं ने इस पर ट्वीट कर दिया है लेकिन बिहार के श्री तेजस्वी यादव जी ने अभी तक से कोई ट्वीट नहीं किया है। तेजस्वी यादव ने ममता बनर्जी से एक भी सवाल नहीं पूछा है। अब इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करेंगे मनीष कश्यप, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बोला तेजस्वी जी ने ट्वीट नहीं किया है, ये लोग बिहार को बर्बाद करने वाले लोग हैं, बिहार की छवि खराब करने वाले लोग हैं। पहले 90 में इनके पिताजी ने खराब किया, 97 में इनकी माँ जो सिग्नेचर करने नहीं आता था वो मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने खराब किया। उसके बाद से तमिलनाडु प्रकरण में जो बिहार के लोगों को समस्याएं हुई थी, हम लोगों ने आवाज उठा दिया, हम लोगों ने वीडियो बना दिया, सवाल कर दिया तो हम लोगों के ऊपर एनएसए लगा के बिहारियों का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया। और आज दानापुर के अंकित यादव के साथ एक और लड़का गए थे सिलीगुड़ी में एग्जाम देने तो उनके साथ बदतमीजी हुई है, मारपीट भी हुई होगी, वीडियो उतना ही है जितना हमने देखा है, उसके आगे उन लोगों के साथ मारपीट भी हुई होगी या कुछ भी और भी हुआ होगा वो नहीं दिखाया गया। उसके लिए अभी तक तेजस्वी यादव जी ममता बनर्जी से ट्वीट करके पूछे तक नहीं। अगर यही कांड जो है भाजपा शासित प्रदेश में हुआ रहता तो तेजस्वी यादव जी संविधान जो आज तक पढ़े नहीं है वो संविधान का दुहाई देने लगते और उनके पिताजी जो है वो कहने लगते कि बीजेपी का तानाशाही शासन, बीजेपी का तानाशाही शासन। एक्चुअल में बंगाल में तानाशाही शासन चल रहा है, बांग्लादेशी आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, 25,000 में उनको झुग्गी झोपड़ी दे दिया जाता है, जंगलों में फुटपाथ पे जगह दे दिया जाता है, उनके लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन बिहार के बच्चे जाते हैं, उनका डॉक्यूमेंट चेक करने का काम जो है पुलिस को करना चाहिए, वहां के स्थानीय लोग करते हैं। और इसके पीछे ये तर्क और दलील दिया जाता है कि वहां पे जिसका ये लोग पेपर देने गए थे उसमें डोमिसाइल नीति लागू है और डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब ये हो गया कि किसी दूसरे स्टेट का व्यक्ति हमारे यहाँ के पेपर नहीं दे सकता। नहीं, उसका मतलब ये नहीं हुआ, डोमिसाइल नीति लागू होने का मतलब ये हुआ कि उसमें कुछ कैटेगरी होता है, 70%, 50%, 60%, 80%, 90% कैटेगरी होता है और उसके अलावा जो परसेंटेज बचता है उस परसेंटेज में बाहर के लोग भी जाके एग्जाम दे सकते हैं। बिहार में टीचर में डोमिसाइल नीति नहीं लागू हुआ। आपने देखा बंगाल से, झारखंड से, उड़ीसा से, यूपी से, राजस्थान से, एमपी से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, अलग अलग जगहों से लोगों ने एग्जाम दिया और टीचर बने, जिसमें जो है बिहार के बच्चे कम हो गए। हमने कभी किसी के साथ बदतमीजी किया नहीं किया। अगर वहां पे डोमिसाइल नीति लागू भी है ना
तो भी जो है कुछ गैप मिलता है, कुछ परसेंटेज मिलता है, उस परसेंटेज में दूसरे राज्य के लोग जाते हैं। नहीं भी मिलता है तो किसी को कोई हक नहीं है कि वो बदसलूकी करे, बदतमीजी करे या मारपीट करे। बिहार के बच्चों को जो है बाद में बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जाएगा कि इनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट्स था, ये था, वो था, पूरा पूरा एक प्रोपोगेंडा फैला दिया जाएगा, पूरा एक साजिश किया जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि बिहार के बच्चे जो है वो गलत नहीं होते हैं, संघर्ष करते हैं, नहीं होते हैं गलत। और एक बात मैं कह दूंगा कि बिहारी के ऊपर जो आंख उठाएगा गलत तरीके से, उसका आंख फोड़ देंगे तो मेरे ऊपर एनएसए लगा देगा लोग। बिहारी के ऊपर जो हाथ उठाएगा उसका हाथ काट लेंगे तो मेरे ऊपर एनएसए लगा देगा लोग। अब बताइए करे तो करे, हम क्या करें? अगर बिहारी को कोई गलत तरीके से मारेगा तो क्या उसका हाथ नहीं काटना चाहिए? आप बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं। लोग कहेगा कि एनएसए लगा दो भाई, ये काटने की बात करता है। हाँ, मतलब ये बात करिएगा तो संवैधानिक तरीके से फिर गलत हो जाएगा वो। हाँ। क्या वो संवैधानिक तरीके से सही किया है? वो बिल्कुल नहीं। बताइए, वो अभी पकड़े गए हैं फिलहाल, पकड़े गए हैं। अगर इसके पहले बिहारी के साथ गलत हुआ, हुआ बहुत सारे जगहों पे गलत हुआ, हुआ अभी गलत हुआ, आगे भी गलत होगा। अगर आज हम बिहारी सभी एक नहीं होंगे तो, और अगर ममता बनर्जी और वहां की सरकार ने अगर एनएसए नहीं लगाया उन गुंडों पे, इस प्रकार का अगर एग्जाम्पल नहीं सेट किया कि अगली बार से बिहारी के ऊपर गलत तरीके से निगाह उठा के देखने वाले लोग जो है डर जाए, खौफ में हो जाए, तो हम लोग जो है बिहार बंद करेंगे। हम लोग बिहार बंद करेंगे और बिहार के जितने भी मजदूर हैं वो देश के किसी भी कोने में हो, हम उन लोगों से कहेंगे कि एक दिन के लिए आप लोग जो है फैक्ट्री बंद कर दीजिए। ये चीजें एनएसए लगना चाहिए उन लोगों के ऊपर। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि अगर बंगाल सरकार की किरकिरी नहीं हुई होती, अगर वीडियो नहीं वायरल होता, तो क्या ये कार्रवाई हुआ होता? नहीं हुआ होता तो हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, सबसे विनती करना चाहते हैं, मुद्दे पे साथ दीजिए। हम गलत नहीं है, इस बार बिहारी गलत नहीं है, कहीं भी जो है बिहारी हर बार मार खाते नहीं रहेगा। स्वाभिमान की बात है, स्वाभिमान हमारा जग गया है, अब लड़ेंगे हम। और हाँ, उस पे एनएसए लगाया जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर एनएसए लगाए, दोनों मिलकर लगाता है, मिलकर लगाए उसके ऊपर एनएसए। और अगर एनएसए नहीं लगता है, अगर 2 से 3 दिन के अंदर एनएसए नहीं लगता है, तो हम लोग जो है एक डेट निर्धारित करेंगे और उस दिन जो है बिहार सब स्वाभिमान बचाओ के तहत जो है हम लोग बिहार बंद करेंगे। और साथ में साथ बिहार के मजदूर जहां भी जिस भी कंपनी में काम कर रहे होंगे उस वहां पे जो है एक दिन के लिए बंद करेंगे। जानकारी के लिए आपको बता देते हैं कि आरोपी का नाम रजत भट्टाचार्य है। हाँ। जो बंगला पक्खो नामक कट्टरपंथी संगठन का है। हाँ। कट्टरपंथी संगठन। हाँ। का है। लेकिन उसके साथ साथ ये तो एक बात हो गई कि होना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने इस पे कोई अपना बयान भी नहीं दिया अभी तक से, और लॉजिकली बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बिहार से बाहर जो है सबसे ज्यादा कौन से जाति के लोगों को दिक्कत होता है? जातीय जनगणना हुआ ना, तो थोड़ा सा जाति की बात कर ही लेते हैं। का ब्राह्मण को दिक्कत होता है, का भूमिहार को दिक्कत होता है, राजपूत को दिक्कत होता है, किसको दिक्कत होता है सबसे ज्यादा? पासवान को दिक्कत होता है? नहीं, सबसे ज्यादा यादव को दिक्कत होता है। 14% संख्या है बिहार में, सबसे ज्यादा पलायन वही लोग करते हैं। 30% से ज्यादा यादव पलायन करते हैं। संख्या जनसंख्या 30% से ज्यादा, जनसंख्या जितनी है उससे ज्यादा पलायन। तेजस्वी यादव जी के समय में जनगणना हुआ था ना, काया नहीं पलायन पे सार्वजनिक किए, पलायन पे अगर सार्वजनिक करते ना तो वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि यादव भाई सबसे ज्यादा पलायन क्यों करते हैं? और बाहर जाते हैं सबसे ज्यादा मेहनत और मजदूरी का काम कौन करता है? यादव भाई। शरीर से हिस्ट पुष्ट होते हैं, और अगर उनके साथ कोई बदतमीजी कर देता है तो वो रिप्लाई कर देते हैं, और रिप्लाई कर देते हैं तो वहां पे जो है मारपीट हो जाता है और फंस जाते हैं। हमको ये बात जो है, हम जब तमिलनाडु में गए थे तो वहां पे जो है कुछ यादव भाइयों ने ही बताया कि सबसे ज्यादा भैया हम ही लोगों को दिक्कत होता है, हम ही लोगों को दिक्कत होता है। अब इसके लिए जो है ना, जातीय जनगणना, जाति की बात करने वाले, जातीय संगठन की बात, अगर बिहार में यादव और भूमिहार का लड़ाई हो गया रहता तब, यादव और ब्राह्मण का लड़ाई हो गया रहता तब, यादव और राजपूत का लड़ाई हो गया रहता तब, इंटरनेट बंद करो भाई, छपरा में, सिवान में इंटरनेट बंद करो, कटिहार में क्या हुआ देखे। आज जो है कम से कम यादव के नेता तो सामने आए, अंकित यादव के लिए काहे नहीं आ रहे हैं? देखे आरजेडी का कोई नेता ट्वीट किया है? आपको दिखा होगा तो दिखा दीजिए। नहीं, वही तो हम भी कह रहे हैं, नहीं कोई नेता किसी ने चाहिए। गांव में जो है विधानसभा में और लोकसभा में घूम घूम के यादव जी वोट दीजिए, यादव जी वोट दीजिए, यादव जी वोट दीजिए, और यादव का लड़का जो है बाहर मार खाए तो कोई बात नहीं। और यादव का ही नहीं, सबका बच्चा मार खाता है बाहर, दिक्कत होता है। आज जो है हमें यादव या ब्राह्मण या भूमिहार में नहीं बंटना है, हमें जो है सबके लिए आवाज उठाना है, ताकि जो है कल को जो है कोई भी बिहारी के ऊपर आंख उठाने से पहले 10 बार जरूर सोचे।